फाइनेंस वेल्थ एडवाइजर्स कीर्तन, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका इस पेशकश में। और हमारे दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नवीन प्रकाश। नवीन जी नमस्कार, क्या हाल चाल, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मैं दिल्ली से। दिल्ली से बोल रहे हैं, चलिए बारिश वारिश हो रही है वहाँ पे? आज तो नहीं है, आज नहीं है यार, बॉम्बे में तो बहुत सावन बरस रहा है। बहरहाल बताइए, आपके पास फंड्स हैं, डीएसपी मिड कैप है, एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है और पराग पारेख का ही टैक्स सेवर आपने जो है वो शुरू कर रखा है और आप अपने निवेश को बढ़ाना भी चाहेंगे 4000 से और आपको स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। आपने अपने लक्ष्य तय किए हैं, उसमें बच्चे की पढ़ाई के लिए 17 साल के बाद आपको पैसों की ज़रूरत होगी, रिटायरमेंट आपका अगले 20 साल में है, लक्ष्य आपने बांध दिए हैं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने फंड का भी चुनाव कर दिया है, इक्विटी ओरिएंटेड आपकी पूरी अप्रोच है। लेकिन नवीन ये बताएं कि 17 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना होगा, कोई अप्रोक्सीमेट अमाउंट जो आपने तय किया है? एटलीस्ट 1 करोड़। विदेश भेजना है बच्चे को पढ़ाई के लिए बाहर? हाँ मैम, अभी के अकॉर्डिंग तो ऐसे की मतलब एज्यूम नहीं कर सकते कि उस समय कितना रिक्वायर्ड होगा, बट यही मेरी सोच है कि उस समय कम ना हो जाए तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो आपने शायद इन्फ्लेशन को बीच में काउंट किया हुआ है ना, महंगाई के साथ आपने इस लक्ष्य को बांधा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, रिटायरमेंट आपका अगले 20 साल में है, उसके लिए आपको कितना इकट्ठा करना है? मैम उसके लिए 3-4 करोड़ एटलीस्ट। 3-4 करोड़, अच्छा इसके अलावा भी आपके पास फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह हैं? नहीं, इसके अलावा तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, चलिए नवीन। ऑलराइट, और जो फंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं ये आपने खुद रिसर्च करके सिलेक्ट किए हैं? यस मैम। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। कीर्तन बताइए, पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप एक्सपोजर के लिए क्या अलग से जगह है या आपको लगता है कि इनके पोर्टफोलियो को और स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है? आई थिंक कविता जी, दोनों किया जा सकता है। सबसे पहले तो उनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उस पर थोड़ा सा डेटा पॉइंट देखिए, अगर मैं अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का भी रिटर्न मिले एज एन इन्वेस्टर, तो आपके जो दो लक्ष्य है, चाइल्ड एजुकेशन 17 साल बाद जिसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके लिए आपको तकरीबन 16,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। और आपकी जो रिटायरमेंट के रिक्वायरमेंट है आज से 20 साल बाद 4 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की, उसके लिए आपको तकरीबन 22,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। इसमें ऑफ कोर्स अजम्पशन यही है कि आप 12% के करीब रिटर्न जमा कर पाएंगे, तो आपको टोटल तकरीबन 38,000 रुपीज की आज SIP करनी पड़ेगी अगर आपको ये दोनों गोल्स को अचीव करना है। तो देखिए, ये 38,000 का जो नंबर है वो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से काफी बड़ा है, तो या तो अगर आप उसे आज 38,000 कर सके तो नथिंग लाइक इट, पर अगर आज नहीं कर पाए तो निराश मत होइए, आप धीरे धीरे करके उसको स्टेप अप कीजिए, हर साल थोड़े से SIP बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप जितनी SIP हर साल आपकी इनकम के साथ बढ़ाएंगे उतना लक्ष्य के ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड जो आपको जानना था। अब अगर मैं आपकी फंड्स की बात करूं, मैंने फंड्स को 3 में डिवाइड कर दिया, एग्जिट, होल्ड और एड। अब आपके पोर्टफोलियो में से मैं 2 फंड्स एग्जिट करना चाहूंगा, ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी और PPFS टैक्स सेवर। ये 2 फंड्स मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर जाने चाहिए। आपके जो बचे हुए 2 फंड्स है, DSP मिड कैप और PPFS फ्लेक्सी कैप, उन दोनों फंड्स को होल्ड कीजिए आप, और ऐड करने के लिए आप ICICI वैल्यू डिस्कवरी और निपॉन स्मॉल कैपिंग को ऐड कर लीजिए। ये करने से होगा ये कि आपकी जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी PPFAS एज एन AMC उस पर वो कम, थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपका पैसा लार्जली उसके बाद मिड कैप में इन्वेस्टेड रहता, तो थोड़ा सा एक लार्ज कैप और स्मॉल कैप फ्लेवर भी ऐड कर दिया क्योंकि आपके पास 17 से 20 साल का समय है। चलिए, काफी विस्तार से वैसे कीर्तन ने आपका पोर्टफोलियो आपको समझा दिया। नवीन कोई और सवाल पूछना है? निवेश तो देखिए आपको बढ़ाना होगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू सो मच नवीन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, अहीर अल्पेश भाई मेरे साथ
फोन लाइन पर चलिए जुड़ेंगे, जुड़े थे, अभी कॉल ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं। कीर्तन, आपके पास इनका पोर्टफोलियो होगा और SIP कर रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, और इसके अलावा 4 महीने इनको हुए हैं और भी इनको पैसे निवेश करने हैं, लार्ज कैप भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, मिड कैप के लिए कोटक इमर्जिंग इनके पास है, करना चाहते हैं, फ्लेक्सी कैप इसके अलावा कौन सा है जिसमें वो शुरू कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। फिलहाल तो यही जानकारी मेरे पास है, जब तक फोन लाइन पर ये जुड़ते हैं तब तक हम शुरुआत कर लेते हैं। कीर्तन बताइए। अल्पेश भाई, देखिए सबसे पहले तो आपने पिछले 4 महीनों में जितना भी पैसा स्मॉल कैप में डाला है, आई एम श्योर आपने बहुत ही एक अच्छा रिटर्न एक्सपीरियंस किया आपके फंड्स पे। तो मैं सलाह चालू इससे करना चाहूंगा कि प्लीज जो रिटर्न आपने पिछले 4 महीनों में देखा है उसे एक्स्ट्रापोलेट करके या उस तरीके का रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, पॉइंट नंबर वन। निपॉन का स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा है, उसे आप कंटिन्यू कीजिए। आपकी दूसरी भी जो चॉइस है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज जो मिड कैप कैटेगरी में, वो भी एक काफी अच्छा फंड है, उसको भी ऐड कीजिए। पर उसके साथ दो और फंड्स को ऐड करने की सलाह दूंगा आपको, एक ICICI का लार्ज एंड मिड कैप ऐड कीजिए और PPFAS का फ्लेक्सी कैप ऐड कीजिए। इससे होगा ये कि आप ऑलरेडी जो स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेकर बैठे वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाएगा मिड कैप और लार्ज कैप में, और आपको थोड़ा सा एक इंटरनेशनल फ्लेवर भी मिल जाएगा ये पोर्टफोलियो को ध्यान में रखकर। और पर एक चीज, अगर आप इस पोर्टफोलियो को जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसे इसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ेंगे, तो दो चीजों का ध्यान रखिए, उसे इक्वली डिवाइड कीजिए। आपको जितनी भी SIP करनी है चारों फंड्स में इक्वल पैसा लगाइए, और इस पोर्टफोलियो को आपको कम से कम 7 से 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस पोर्टफोलियो को बनाइएगा। परफेक्ट। मेरे ख्याल से अल्पेश जी फोन लाइन पे जुड़े नहीं है मेरे साथ, और आपने तमाम पहलू वैसे सवाल को लेकर टच अपॉन कर ही लिए हैं। उम्मीद हम यही करते हैं कि YouTube पर हमारा शो देखें और आपकी जो सलाह है वो नोट डाउन करें। कीर्तन, और भी दर्शकों के सवाल मुझे शो में लेने हैं, लेकिन चलिए झटपट हम फिलहाल रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऑलराइट कीर्तन, बताइए आपका निवेश का गुरु मंत्र आज क्या है? कविता जी, टिपिकली हम इन्वेस्टमेंट्स की इतनी बातें करते हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इतनी सारी अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर ये मानने लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं चालू किया तो बहुत लेट हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करें उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज है जो आपको करनी जरूरी है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। इमेजिन कीजिए अगर आप आपके पास मेडिक्लेम नहीं है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन फेस करना पड़ेगा, तो आपने पिछले 3, 5, 10 सालों में जितना पैसा जमा किया होगा वो सब पैसा शायद उस हॉस्पिटलाइजेशन में चला जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें उसके पहले एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिक्लेम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपके पास नहीं होगा तो आप कितना भी निवेश कर ले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स में आपकी पूरी इकट्ठा की हुई पूंजी एक साथ चली जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए ही पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। चलिए, ये रहा निवेशक गुरु मंत्र, और झटपट एक दर्शक भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, राघव। हाय, गुड इवनिंग राघव, कैसे हैं आप? हाय मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बोल रहा हूँ मैडम। अहमदाबाद से बोल रहे हैं, बताइए कहाँ कहाँ निवेश किया है और क्या सहायता चाहते हैं हमसे? मैं मैडम, मैंने पराग फ्लेक्सी कैप में 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है जी। HDFC का टैक्स सेवर है, 2500 का किया है। ओके, और क्वांटेन SBI में 2500-1500 का इन्वेस्टमेंट किया, टोटल 14,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा। अच्छा, दो टैक्स सेवर फंड क्यों आपने डाले राघव, और दो स्मॉल कैप फंड्स क्यों डाले पोर्टफोलियो में? कोई खास स्ट्रेटजी है आपकी या किसी ने रेकमेंड कर दिया? ये है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मुझे जो ATC में जो डिडक्शन चाहिए था वो, उसके लिए मैंने टैक्स सेवर लिया है। अच्छा ठीक है, और दो स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपको फ्लेक्सी कैप में भी मिल रहा है, हालांकि पराग पाल एक फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है, लेकिन स्मॉल कैप का थोड़ा एक्सपोजर उसमें भी है। उसके बाद आपके पास दो उम्दा स्मॉल कैप है,
वो दोनों भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी कैटेगरी में. अच्छा तो चलिए, तो अब आपका सवाल ये है, आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है, आपका आपने 15 साल में 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, नहीं 20 साल में चाहिए आपको 1 करोड़, ठीक है, और 15 साल में कितना चाहिए? 50 लाख. ऑल राइट, सो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाना पड़ेगा. कीर्तन, टैक्स बेनिफिट के लिए 2 LLCs लेना जरूरी है या एक में ही काम हो जाएगा, उसी में अपना निवेश राशि बढ़ाते रहें? एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड करके कोई ज्यादा मतलब नहीं है. आप शायद मान लीजिए अगर 2 ELSS में आज पैसा लगा रहे तो उन 2 ELSS को कंटिन्यू कीजिए, अगले साल 3रा ELSS मत कीजिएगा. राघव जी, मैंने अभी आपका क्वेश्चन लेने के 1 मिनट पहले ही एक सलाह दी थी कि रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए इन्वेस्टमेंट करने के पहले. अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो प्लीज टर्म इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि शायद किसी एक अनफोर्सीन इवेंट में ये पैसा इकट्ठा किया हुआ शायद फैमिली को उतना जितनी जरूरत है उतना काम नहीं आ पाएगा, तो टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें. अब आपने 2 फाइनेंशियल गोल्स की बात की है राघव जी. सबसे पहले तो आपने कहा कि आपको 50 लाख रुपए चाहिए 15 साल में, उसके लिए आपको तकरीबन 10,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, और आपको जो 1 करोड़ रुपए चाहिए 20 साल में उसके लिए भी 10,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी. तो अगर आपके इन दोनों गोल्स को आप देखें तो आपको 20,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, पर आप तकरीबन 14,000-14,500 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो जो 5,500 रुपए का गैप है उसको ऐड कर दीजिए तो ये दोनों गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे, जो 15 और 20 साल में आपको 50 लाख और 1 करोड़ चाहिए. अब अगर मैं आपके फंड्स की बात करूं तो फंड्स में एक छोटा सा चेंज सजेस्ट करना चाहूंगा. आप एक ICICI वैल्यू डिस्कवरी का फंड ऐड कर लीजिए. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपके पास मिड कैप है, आपके पास स्मॉल कैप है, HDFC और कोटक लार्जली, देखिए लार्ज कैप पे फोकस करते हैं पर ये लोग दोनों कोटक लार्जली थोड़ा सा एक ब्लेंड स्टाइल फॉलो करते हैं, और पराग पारेख की भी लार्ज कैप एक्सपोजर बहुत अलग है और इंडेक्स से कुछ उसे कुछ लेना देना नहीं है, तो एक थोड़ा सा इंडेक्स हगिंग वैल्यू स्टाइल का फंड आपके पोर्टफोलियो में अच्छा होगा. तो ICICI वैल्यू डिस्कवरी ऐड कर लीजिए आपके पोर्टफोलियो में. जनरली मुझे ऐसा लग रहा है 4 या 5 फंड्स काफी है, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अपने टैक्स सेवर से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि 3 साल की लॉक इन है, तो ये एक फंड ऐड कर लीजिए. और राइट, मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन राघव अगर आप सलाह नहीं सुन पाए हैं तो YouTube पर जाकर एक बार फिर से ये शो देख सकते हैं और कीर्तन की सजेशंस आप नोट डाउन कर सकते हैं. इसी के साथ कीर्तन, धन्यवाद आपका, समय निकाला और दर्शकों की आज फाइनेंशियल प्लानिंग की शो पर धन्यवाद. इसी के साथ शो को यही समाप्त करते हैं, जाते जाते आपको छोड़ जाती हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ. YouTube पर भी शो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे. नमस्कार.